जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर हम मौजूद हैं जगह पर तो तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपका ध्यान ले जाऊं कि आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये मुंबई जयपुर एक्सप्रेसवे है और एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि B5 कंपार्टमेंट है। B5 कंपार्टमेंट के बाहर हम मौजूद हैं जहाँ पर सुबह 5:23 पर दो जवानों के बीच में झगड़ा हुआ। RPF के जवान चेतन सिंह जो आरोपी है 30 वर्षीय और ASI के बीच में झगड़ा हुआ। अंधाधुंध जो गोलीबारी हुई उसकी तस्वीर आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर आपने ये नजर पहुंचाई यहाँ पर आपको तो ये गोली के निशान नजर आएंगे जिससे ये साफ होता है कि यहाँ पर दोनों के बीच में एक विवाद हुआ था और उसी के बाद जो है वो अंधाधुंध जो है वो झगड़ा जो है वो शुरू हुआ था। आप देखेंगे कि पुलिस जो कांच है उस पर क्रैक आ चुके हैं, बकायदा यहाँ पर जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और साफ तौर पर इसी पूरे बोगी के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ। दोनों के बीच में एक पहले विवाद हुई, मौखिक विवाद हुआ, मौखिक विवाद के बाद जो है वो झगड़ा जो है वो फिजिकल फाइट में कन्वर्ट हुआ और वहां पर चेतन सिंह ने अपनी बंदूक ऑफिशियल जो थी वो निकाली और इस पूरे घटना को अंजाम दिया। तस्वीरों के जरिए एक बार फिर मैं आपका ध्यान ले जाऊं, आपको बता दें कि रेलवे के अधिकारियों ने इस चीज की पुष्टि की है कि चेतन सिंह जो थे उन्होंने ही फायरिंग की शुरुआत की थी। ये अंदर की तस्वीरें इसलिए आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि यहीं पर इसी दरवाजे से बचने की कोशिश वो लोग कर रहे थे जिनके ऊपर गोलियां चली हैं जो कि इस पूरे घटना के शिकार हुए हैं। हालांकि इसी के अलावा जो है दूसरी तरफ की जो बोगी है वो भी इन्वॉल्व है इस पूरी घटना के अंदर और इसीलिए अधिकारियों ने इसको फिलहाल ब्लॉक किया हुआ है। अगर आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जितने मीडियाकर्मी मौजूद हैं और उसी के साथ साथ जो अधिकारी हैं मुख्य तौर पर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि अभी भी जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर ना रेलवे के कुछ बड़े अधिकारी आपको जो है वो तस्वीरों के जरिए सिविल में जो है वो नजर आएंगे यहाँ पर और आपको बता दें कि हर कोई अपने फोन में है, हर कोई डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो आरोपी है उसका बैकग्राउंड पता चले क्योंकि साफ तौर पर 3 सिविलियंस की जान जाने के चलते ये जो मामला है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साफ तौर पर रेलवे की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता लेकिन RPF किस जवान जो है जो महज 30 वर्षीय युवक है वो किस मानसिकता के अंदर था, दोनों के बीच में विवाद किस तरीके से शुरू हुआ और ये विवाद इतना कब बढ़ा कि दोनों में झड़प शुरू हो गई, इस बात को लेकर जांच फिलहाल आगे बढ़ रही है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो है हम पैसेंजर्स का बता दें कि वो भी बोरीवली स्टेशन पर किया गया है। अधिकतर पैसेंजर्स तो जो थे वो मुंबई के बोरीवली स्थानक पर उतार दिए गए थे और उसी रेलवे स्टेशन पर उतार देने के बाद जो है कुछ लोगों के इमीडिएट स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए और फिर जो अन्य पैसेंजर्स थे वो यहाँ पर आए। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी भी हम उसी बोगी के बाहर मौजूद हैं, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी किसी की आवाजाही पर यहाँ पर रोक लगी हुई है और साफ तौर पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपने बुलेट का निशान देखा। दूसरी तस्वीर यहाँ पर यही रहेगी कि लगातार जो कोशिश है वो की जा रही थी बचाव की, यहाँ तक कि हम दूसरे कंपार्टमेंट पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी यही कनेक्टिविटी नजर आ रही है कि इन्हीं दो बोगियों के बीच का जो दरवाजा था वो B4 की हम बात करें कि ये B4 का दरवाजा है और यहाँ पर बगल में ही B5 का दरवाजा है। यहाँ पर दोनों जगहों पर से बीच में जो पैसेंजर थे वो अपने आप को बचाव की कोशिश कर रहे थे जिसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई और वो जो है गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पर खुद रेलवे के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर आकर शुरू हो गए कि किस तरीके से जो अब यहाँ पर रेलवे के उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरे मामले को, अभी तक की क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में निकला है इसकी पूरी जानकारी लेंगे और साफ तौर पर पता करेंगे कि आखिर अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे पूरी घटना घटी क्योंकि ब्यौरा बाकायदा किया जा चुका है पूरी घटना का अब तक रेलवे के अधिकारियों द्वारा कि किस तरीके से क्या कुछ अंदर हुआ, क्या कुछ अंदर चला। फोन कॉल जो है वो अधिकारियों के वो लगातार जारी है यहाँ पर। वो आपको मैं बता दूं कि जो RPF का चेतन सिंह है जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया, जो आरोपी है वो जो है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा चुका है जिसके बाद उसके जो डिटेल्स आई हैं वो ये सामने आई है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जिसकी ड्यूटी जो है वो RPF में कई दिनों से लगी थी। ये ट्रेन के अंदर की विजुअल है, आप इससे समझेंगे एक बार कि आपने देखा होगा जो पुरानी फोटोज आई हैं उसमें भी एक ऐसी ही सीट जो है ऐसी जो एक सीट है वो सामने रखी गई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि चेन पुलिंग जो होती है सामने वो इस दरवाजे से की जा सकती है। यहाँ पर
जो चेन पुलिंग है वो यहाँ पर अंदर से की जाती है, जिसको दहीसर स्टेशन पर करके ही आरोपी चेतन सिंह नीचे उतरा था। उसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सीसीटीवी आपको नजर आएगा। तो अगर ये सीसीटीवी B5 कंपार्टमेंट में भी मौजूद है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर जो पूरी घटना घटी है उसका ब्यौरा रेलवे के हाथों में होगा और इसी सारी चीजों की डिटेलिंग जो है वो रेलवे अपने हेडक्वार्टर से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपने पूरी जर्नी देखी कि इसी तरीके से दरवाजा लोग निकलने के लिए। काफी अहम सवाल है क्योंकि जहां तक खबरों की बात करें तो प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो कांस्टेबल है उन्होंने अपने ऑफिशियल वेपन से ही फायरिंग करी है, जिसके तहत 3 और यात्रियों को उसका भुगतान करना पड़ा है जहां तक उनकी मौत की बात करें। तो शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी रिपोर्ट्स हमारे तक पहुंचाने के लिए। विल कीप ट्रैकिंग ऑल द डेवलपमेंट्स। टाइम फॉर अ ब्रेक।